हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सक्सेस वीजन तो आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे एंशियन हिस्ट्री के रिलेटेड जो हमारे जे के ए एस जो हमारे प्रलम्स के एग्जाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो so, हमने जो है अपना फर्स्ट इंट्रोडक्श्री लेक्चर जो है about the art and culture वो मैंने upload करवा दिया था हमारे आमिर सर ने जो है वो lecture दिया था hopefully आप उस lecture को काफ़ी पसंद कर रहे होंगे आपको सब समझ आ रहा हो कि हमारे art and culture जो है वो किस तरीके से है so अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको वैसे ही आर्ट एंड कल्चर जो है एक्सप्लेनेटरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड आज जो हम एम करने वाले हैं ये है हमारे एंशियन हिस्ट्री के एम जो कि आज हम करेंगे विद एक्सप्लेनेशन जैसे कि हम हर बार करते हैं तो स्टार्ट करते अपना सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन विथ पिलर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड अचीवमेंट ऑफ समुंदर गुप्ता हु इज़ नून एज अपोलियन ऑफ इंडिया फॉर किस पिलर इंस्क्रिप्शन में समुन्द्र गुप्ता की अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है आयरन इंस्क्रिप्शन है सन पिलर है विजय स्तंभ है या फिर पिलर अहलाबाद पिलर है तो इनमें से कौन सी समुद्र गुप्त की अचीवमेंट पे लिखी हुई है वो इनमें से किस पिलर पे लिखी हुई है तो ऐसे क्वेश्चन है वो काफी पूछे जाते हैं सो तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सो so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी अब कुछ जान लेते हैं हमारे समुद्र गुप्ता के बारे में समुद्र गुप्ता जो हैं, वो किसके सक्सेसर थे वो थे चंद्रगुप्ता फर्स्ट के चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बाद जो रूलर बने थे वो थे हमारे समुद्र गुप्ता ओके अहलाबाद इंस्क्रिप्शंस में इनके बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने कभी भी डिफीट नहीं यानी कि ये कभी भी जितने भी इन्होंने वॉर लड़े उनमें इन्होंने ये कभी हारे नहीं है इसीलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है ओके okay? सेकेंडली इनको और टाइटल दिए गए हैं जैसे कि अगर हम बात करें कविराज कविराज एंड कविराज एंड विक्रामा का विक्राम का विक्रामन का टाइटल इनको दिया गया है ओके okay? सो so, इसके बाद जो है हरी सेना जो थे वो इनके कोट पोएट थे आपको ये भी याद रखना है ओके okay, चलिए तो अचीवमेंट्स के बारे में समुंद्र गुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है और वो वो कौन सी इंस्क्रिप्शन में लिखा है वो एहलाबाद इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है समुन्द्र गुप्त की अचीवमेंट्स के बारे में क्योंकि वो जो थे कभी भी हार नहीं मानते थे उन्होंने कभी भी हारा नहीं है इसी वजह से उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द गुप्ता गोल्ड क्वाइंस को और क्या कहा जाता था रूपा का टंका Drama Yafe Dinares. सो so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज जो गोल्ड इजार्ड गुप्ता पीरियड्स में यूज किए जाते थे थे या बनाए गए उनको बोला जाता था बात करते हैं गुप्ता पीरियड की गुप्ता पीरियड के सबसे पहले जो राजा थे वो कौन थे श्री गुप्ता थे श्री गुप्ता जो थे उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया था ओके उसके बाद जो है एक और राजा है जिनका नाम है चंद्रगुप्ता चंद्र गुप्ता चंद्रगुप्ता फर्स्ट आए उन्होंने आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है उन्होंने सबसे पहले एक टाइटल को एज्यूम किया था जिसको बोला जाता था महाराजा धीराजा महाराजा धीराजा ये सबसे पहले राजा थे जिन्होंने ये वाले टाइटल को महाराजा धीराजा टाइटल को अज्यूम किया था उसके बाद इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से लिच्छावी एक जगह है वहां की प्रिंसेस से शादी की थी जिनका नाम क्या था कुमारा देवी कुमारा देवी से इन्होंने शादी करी थी ओके okay, इसके बाद जो है, इन्होंने और गोल्ड क्वाइंस जो है लाए गोल्ड क्वाइंस को दिनारस बोला जाता है अगर बात करें इनकी क्रोनोलॉजी की तो पहले चंद्रगुप्त आए चंद्रगुप्त फर्स्ट उसके बाद आए समुद्र गुप्ता समुद्र गुप्ता आए ओके okay, सो so, Uh, इसके बाद जो है मैंने समुद्र गुप्ता से आपको एक क्वेश्चन बताया अहलाबाद पिलर में इनकी जितनी भी इन्होंने लड़ाई लड़ी है उनके बारे में लिखा हुआ है और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था आगे एक और क्वेश्चन है कि इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया किसके द्वारा कहा गया है वो भी हम करेंगे कवि राज्य इनको टाइटल मिला था ये भी आपको याद रखनी है और ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड क्वाइंस को बोला जाता था गुप्ता टाइम पीरियड में नेक्स्ट द लास्ट किंग ऑफ द गुप्ता वॉस गुप्ता का लास्ट रिकॉग्नाइज किंग कौन था समुंद्र गुप्ता विष्णु गुप्ता बिंबी सारा या फिर अशोका सो लास्ट जो इनका लास्ट uh, रूलर था वो था हमारा विष्णु गुप्ता ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है अगर हम बात करते हैं समुद्र गुप्त की तो समुद्र गुप्त के बारे में मैंने आपको काफी चीजें बता दी है जैसे उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था कवि राज्य इनको टाइटल मिला था एंड उसके बाद जो है इनको इनको एलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में इनकी काफी जो है इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनकी जब लड़ाई होती थी ये कभी भी डिफीट नहीं हारते नहीं थे ओके बात करते बिंबिसार के बिंबिसार जो है वो हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे एंड अशोका जो है वो भी किससे बिलोंग करते थे वो हमारे मौरियन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जो मौर्यन डायनेस्टी है ओके तो बिंबिसार जो है वो हमारे हरियांका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और अशोका जो है वो हमारे मौर्यन डायनेस्टी से वहां बिलोंग करते हैं ओके जो क्वेश्चन फोर्थ है द गुप्ता इंपोज फाइन गुप्ता जो है फाइन इंपोज करते थे उसको क्या कहा जाता था प्लग टैक्स जो है एक फाइन होता था प्लग टैक्स पे जो कि कल्टीवेटर जो है जब वो प्लगिंग कर रहा है उस टाइम पे पे करता था तो उसे क्या बोला जाता है हिराया बोला जाता था कारा बोला जाता था सुल्का बोला जाता था या हलवा कारा बोला जाता था तो उसको बोला जाता था हलवा कारा जो कि प्लग टैक्स होता था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड तो टैक्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं कि टैक्स जो है गुप्ता टाइम पीरियड में जब टैक्स दिया जाता था किसके रिलेटेड प्लग के रिलेटेड तो उसे क्या बोला जाता था उसको हलवकारा बोला जाता था ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे ये जो है मार्क कर लो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए कि जो लोकपाल है लोकपाल एंड लोकायुक्त तो आपने पढ़ाई ही होगा इसका जो लोगो है ये कौन से उपानिषद से लिया गया था मुंदाका उपानिषद से ईशा भसो उपनिषद से इन दोनों से या इनमें से कि, किसी से नहीं ईशा सो उपनिषद से ईशा मुंदाका से या इन सभी से या किसी से भी नहीं ओके तो ये लिया गया था ईशा उपनिषद से ठीक है है तो ऑप्शन बी जो है, वो हमारा करेक्ट है जो लोकपाल का लोकपाल एंड लोकायुक्त जो है उनका जो लोकपाल का उप, जो लोगो है वो हमें ईशा उपानिषद से लिया गया है मुंडा का उपानिषद से हमने क्या लिया है हमने सत्य में विजेते लिया गया है सत्य में विजेते जो है वो हमने मुंडा का उपानिषद से लिया हुआ है ओके okay? So, लोकपाल के बारे में आप थोड़ा सा हम जान लेते हैं लोकपाल जो है ये जो है इस स्कैंडेवियन कंट्रीज का है से लाया गया सबसे पहले स्वीडन ने इसे अडॉप्ट किया था 1809 में वहां पे इसको लोकपाल नहीं बोलते थे ओम बोलते थे ठीक है ओम जो किससे रिलेट करता है करप्शन से रिलेट करता है ओके? Okay? करप्शन से रिलेट करता है। तो कंट्रीज ने शुरुआत की थी इंडिया में इसको लोकपाल बोलते हैं. कौन सी है जिसने पहली स्टेट बनी जिसने लोकायुक्त को एक्सेप्ट किया था देखिए इसी क्वेश्चन में से हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली ओके okay? तो लोगो है जो लोका, लोकपाल का वो हमने ईशा उपारिषद से लिया हुआ है नेक्स्ट फॉलोविंग रूलर ऑफ द हरियंका टू पाटलीपुत्र उसको कैपिटल को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे पाटलिपुत्रा में बिम्बिसारा अशोका अजात शत्रु या उदयन इनमें से किसने की थी तो वो की थी हमारे ऑप्शन डी डेट इज उदयन ने की थी थोड़ा सा हम जो है इसके बारे में जान लेते हैं हमारे जो हरियंका डायनेस्टी है।, है वो स्टैब्लिश कैसे हुई सी देखिए आपने पढ़ा वेदास के बारे में ठीक है, वेदा कल्चर हो गया? ठीक है? तो इंदस वैली कल्चर इंदस वैली कल्चर पहले हुआ इंदस वैली कल्चर एक सेकेंड एक सेकेंड ओके फिर से करते हैं जरा ओके ठीक है पहले क्या हुआ इंदस वैली सिविलाइजेशन देन हुआ जो हमारा वैदिक कल्चर था ओके वैदिक कल्चर के बाद आए हमारे महाजना पदार्थ महाजना पदार्थ आए थे ठीक है ना तो उसी के बाद तो डायनेस्टी शुरू हुई है इन दिस वैली सिविलाइजेशन में जो है शुरुआत हुई थी देन वैदिक कल्चर आया देन महाजना पदार्थ आए जो महाजना पदार्थ थे उसमें पहले जो था अर्ली जो टाइम पीरियड था अर्ली वैदिक में था जना बनना शुरू हो गया था ठीक है जना एक छोटी सी लोकैलिटी सिटी टाउन बनना शुरू हो गया था लेटर वेदिक की अगर हम बात करें तो वहां पे जना बनना शुरू हो गया था जनापदार्थ कैसे बनते हैं दो जना मिलके के जना बनने लग गए तो जनापदार्थ का मतलब होता है एक राष्ट्रीय बनना शुरू हो गया राष्ट्रीय का पहला तव, मतलब वर्ड जो है वो जनापदास में ही यूज किया गया था टेरिटरी एक्सपेंड करने लगे क्योंकि वहां पे तब लोगों को पता चलने लगा कि जो टेरिटरी एक्सपेंशन है वो भी करना पड़ता है ठीक है ना बैटल्स के बारे में पता चलने लगा लड़ाई करने लगे उसी वजह से जो है जनापदार्थ बनने लगे जनापदास से बने क्या महाजनापदास क्योंकि जब वहां पे फिर लोग जो हैं क्या करने लगे यजनास को करने लगे यजनास समझते हैं आप यजनास अश्मवेधा अश्मवेदार यजना शुरू कर कर लिया अश्ववेधा यजना होता है जिसमें हॉर्स को दौड़ाया जाता है जहां तक वो दौड़ेगा वहां तक वो टेरिटरी क्या हो जाएगी उसी राजा की हो जाएगी जिस राजा का घोड़ा दौड़ रहा है तो ये तरी ये अश्मेधा यजनाज करना शुरू हो गए थे ओके टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए बट अगर हम बात करते हैं कि अगर हम महाजनापदास की बात करते हैं महाजनापदास में यहां पे कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी टेक्सेशन इतना ज्यादा नहीं था ठीक है ना तो महाजनपद और महाजना एक दूसरे को अटैक करते थे तो बनते क्या थे महाजना ठीक है so, सो हमारे 16 महाजनापदार्थ निकल के आए थे जिसमें हम कुरु पंचाल कोसाला, माला मत्स्या चेत्याज मगध अंगा बहुत सारी जो हमारी ये सिटीज हैं इनके बारे में पढ़ते हैं टक्सिला ठीक है ना ये सब चीजें हम पढ़ते हैं जो कि हमारे महाजनापदार्थ से रिलेट करती हैं। ना सिर्फ नॉर्थ वाले रीजन ये सब चीजें थी बल्कि हमें में पता चला है कि साउथ वाले रीजन में भी जो है काफी बेटल्स लड़े गए थे, ओके इसके बाद हम थोड़ा हरियंकर डायनेस्टी की बात करते हैं देखिये महाजनापादाज आए ठीक है ना मगर एक पावरफुल किंगडम इन महाजनापादाज में था जिसको आप मगध बोलते हो ठीक है ना मगध मगध जो है वहां पे डायनेस्टी उभर के आई जिसको बोलते हैं हम हरियंक डायनेस्टी डायनेस्टी जिसके जो थे लीडर या फाउंडर फाउंडर मान लीजिए जो थे वो थे हमारे बिंबिसारा बिंदुसारा नहीं ये बिंबिसारा है बिंबिसारा जो थे वो राजा थे हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर थे ये किसके कंटेप्रेरी थे गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे ओके okay, देखिए क्या होता था कि जब राजा को अपनी आ, जो टेरिटरी है उसे एक्सटेंड करना होता था ना वो शुरू कर देते थे तो वो काफी सारी यूज़ करते थे एक थी मैरिज अलायंस शादी करते थे फिर दहेज में मांगते थे क्या डवरी में एज इन पूरी टेरिटरी को मांगते थे जैसे कि बिम्बिसारा ने शादी की थी किससे कोसाला की रानी से लिच्छवी की रानी से मद्र की रानी से तो जब कोसाला की रानी से शादी की तो काशी डवरी में ले लिया तो मैरिज एक अलायंस सिस्टम माना जाता था फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं अजात शत्रु की अजात शत्रु अजात शत्रु जो है बिंबी सारा के बाद आते हैं अजात शत्रु ने एक नई फैक्ट जो है प्रैक्टिस शुरू कर दी उसे बोलते हैं फैक्ट्री साइड फेक्ट्री साइड कौन सी प्रैक्टिस हो गई ये हुई कि किलिंग ऑफ ओन फादर कि अपने फादर को ही मार लिया और उसकी जगह बैठ के राजा बन गए तो साइड प्रैक्टिस अजार शत्रु से ही शुरू हुई है इन्होंने अपने फादर को मार दिया बिंबी सारा को और वहां पे जाके खुद बैठ गए, ठीक है ना तो इसके बाद जो है नए राजा आए जिसको हम बोलते हैं हमारे लास्ट वाले राजा जिसको हम बोलते हैं उदयन उदयन आई उसके बाद शिशुंगा देन लास्ट में मौर्य आई तो लास्ट रूलर जो थे हरियंक के डायनेस्टी के वो कौन थे उदयन उदयन थे हाँ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि राजगृहा सबसे पहले अपनी कैपिटल जो है वो राजगृह किसने बनाई थी तो वो बनाई थी हमारे बिंबिसार ने ठीक है ये याद रखना है आपको एंड उसके बाद शिफ्ट किसने की थी पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्रा में शिफ्ट की थी हमारे उदयन ने तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हु इज नोन एज ए नेपोलियन ऑफ इंडिया इनमें से किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्र चंद्रगुप्त बिंदु सारा अशोक तो नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्र को अभी तो ऊपर हमने पढ़ा समुंद्र को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है ये किसने कहा था एवी स्मिथ ने एवी स्मिथ ने कहा था इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन किसने अपने आप को कहा था देवम पिया पियादासी अशोक बिंदुसारा चंद्रगुप्त समुंद्रगुप्त तो किसने कहा था अपने आप को देवम पिया पियादासी था अशोका ने अशोका ने अपने आप को देवम पिया पियादासी कहा था वो जो थे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे किससे उपागुप्ता से उपागुप्ता से इनफ्लुएंस उपा हुए थे एंड कलिंगा वॉर के बाद इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा बदल गई 261 में कलिंगा वॉर हुई थी लाइफ इनकी काफी चेंजेस हुई और उसके बाद इन्होंने जो है बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा खून खराबा देखा था उसी वजह से ठीक है ना चलिए नेक्स्ट है चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सैंग जो है उन्होंने किसके टाइम पीरियड में विजिट किया था चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य समुन्द्र गुप्ता चंद्रगुप्ता वन हर्षवर्धना तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ह्यून सैंग जो है वो कब आए थे इंडिया में आए थे हर्षवर्धना के टाइम पीरियड में नेक्स्ट बाना भट्टा जो कोट पोएट है बाना भट्टा वो कौन से इंडियन किंग का कोट पोएट है हर्षवर्धना का है चंद्रगुप्ता सेकंड का है पुलकेशन सेकंड का है या यशोवर्मन का है तो इनमें से किसका है तो वो है पुलकेशन सेकंड का सो so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यशोवर्मन नहीं इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। ओके okay, पुलकेशन नहीं है चंद्रगुप्त नहीं है यशोवर्मन नहीं है तो इसका आंसर है बाना भट्टा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है नेक्स्ट जो है कौन सी वेदा जो है वो डील करती है मैजिकल स्पेल एंड क्राफ्ट से वेदा, समवेदा यजुर्वेदा या अथर्व वेदा कौन सी जो है मैजिकल स्पेल से जहाँ पे मैजिक्स के बारे में बताया जाता है जादू टोने के बारे में तो वो हमारी है अथर्व वेदा अथर्व वेदा बताती है अबाउट द मैजिकल स्पेल्स So, आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने ये जो वैदिक है इनको थोड़ा इसमें जो वेदा है, इसको हम बोलेंगे अर्ली वेदा उसके बाद जो ये बाकी तीनों आई थी ये हमारी आ जाती है लेटर वैदिक पीरियड में ठीक है ये लेटर वैदिक पीरियड में बनाई गई थी ओके चलिए पहले बात कर लेते हैं अपने सेकेंड पहले बात कर लेते हैं हम अपने जो हमारी ऋग्वेद है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऋग्वेद में जो है टेन मंडला है दस मंडल्स हैं टेन मंडल्स हैं ठीक है ठीके? टेन मंडल्स है आप लोग साथ साथ छोटे छोटे नोट्स भी बनाते रहिए वन जीरो टू एट हाइम्स है यानी कि मंत्र है ओके इसके बाद जो है जो टेंथ मंडला है इसका उसमें पुरुष पुरुषुक्ता के बारे में बताया गया पुरुष पुरुषुक्ता यानी कि वो जो चार वर्णाज होते हैं कौन कौन से एंड क्षत्रिया ये चार वर्णों के बारे में टेंथ मंडला में है पुरुष पुरुषुक्ता में है और, और इसके जो हाइम्स है जो हाइम्स गाएगा वो कौन गाएगा होत्री होत्रीपृ जो है वो इनके हाइम्स को गाता है अंडरस्टूड चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले की नेक्स्ट हमारा कौन सा है नेक्स्ट है हमारा समवेदा संवेदा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं संविदा जो है ये बुक ऑफ चैंट्स है या म्यूजिकल बुक भी बोला बोला जा सकता है म्यूजिक की बुक या बुक ऑफ चैंट्स भी बोला जाता है ओके okay, इसके जो चैंट्स हैं जो मंत्र है वो कौन गाएगा उगात्री प्रीस्ट जो है वो गाएगा बात कर लेते हैं अपने यजुर्वेदा की यजूर्वेदा जो है वो सेक्रीफाइशल प्रेयर्स के लिए होती है सेक्रीफाइशल प्रेयर्स के लिए होती है इसमें दो तरह की और शुक्लाज हैं एक है कृष्णा शुक्ला एक है कृष्णा यजुर्वेद एक है शुक्ला यजुर्वेद दो तरह के और वेदा है कृष्णा यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद और लास्ट आ जाती है हमारी अथर्ववेद जो कि मैजिकल स्पेल्स के लिए बनाई गई है ओके चलिए अभी थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट जो इसके रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो है आर्यंस जो थे आर्यंस जो थे वो कहाँ से आए थे क्योंकि जो हमारी जो हमारे ऋग वेदास है वो आर्यन नहीं लिखे है. तो आर्यंस जो थे वो आए कहाँ से, वो से थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे सेंट्रल एशिया से तो आए थे बट इसके बारे में क्या प्रूफ क्या है अगर ये सेंट्रल एशिया से आए हैं तो कोई प्रूफ तो होगा ना हाँ जी बिल्कुल है भोगास कई कई एक इंस्क्रिप्शन है बोगास कई, बोगास के एक इंस्क्रिप्शन है टर्की में वहां पे ये सब लिखा हुआ है कि आर्यस जो थे वो सेंट्रल एशिया से ही इंडिया में गए हैं ठीक है तो बोगास कई एक इंस्क्रिप्शन है ये भी आपको याद रखना है ओके एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन है जैसे कि ऋग्वेदा है है, है एंड अथार्वेदा है इसके है? अर्यंका आ देन आ इसमें भी एंड देषद ब्राह्मणास अर्यंकाज उपानिषद ब्राह्मणास अर्यंकाज एंड उपानिषद अब बात करते हैं ये क्या था सी देखिए ब्राह्मणास आए ब्राह्मण आर्यंका है आर्यंत कौन से थे जो फॉरेस्ट में चले जाते थे एक तरीके से साधु साधु बनते थे सेंट बनते थे उसके लिए वो छोड़ के दुनियादारी फॉरेस्ट में चले जाते थे उपानिषद क्या है उपानिषद जो हैं वो सब कौन थे वो क्रिटिक्स थे क्रिटिक्स किसके ऑफ वेदास क्रिटिक्स ऑफ वेदास उपनिषद्स में सिर्फ और सिर्फ जो है क्रिटिक किया क्या है वैदिकों वैदिक किसको रिचुअल्स को, वेदिक किस को? किसको रिचुअल्स को क्योंकि यहाँ के जो रिचुअल्स है ना वैदिक रिचुअल्स थे उसमें सैक्रिफाइस किया जाता था सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स किया जाता था इसी वजह से इसको काफी ज्यादा जो है क्रिटिक्स मिले उपनिषद ने जो है उसने एक वे किसको दिया इन्होंने बोला कि ये सब छोड़ो सैक्रिफाइस छोड़ो ये रिचुअल सही नहीं है आप लोग भक्ति करो भक्ति यानी कि गॉड की पूजा करो ठीक है ना तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम वेदांत भी बोला जाते हैं वेदांता यानी कि वेद का अंत वेदांत भी बोला जाता है उपानिषद से क्या आया भक्ति मोमेंट ही आया इसीलिए हिंदू फिलॉसफी जो है जो भी हिंदू फिलॉसफी है वो भक्ति पे जो है बेस्ड है ना कि वेदिक पीरियड्स पे So, वेदास जो हैं वो सिर्फ एक तरीके से बोले गए हैं सिर्फ बात की गई इनके बारे में इनके बारे रिटर्न एविडेंसिस क्योंकि उसमें क्या था एक तरीके से उसमें चेंजेस आने लगी थी कल्चर में चेंजेस आने लगी थी उस वजह से हमें इसमें जो है इनके एविडेंसेस मिले हुए हैं okay? so, हमारा एक तरीके से हमारे यजूर वेदास जितने भी हमारे वेदास हैं चार वेदास उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसके बाद जो है जो काफी चेंजेस आई वो कब आई थी बैटल ऑफ दस राजना के बाद दस राजना का जो वॉर हुआ था उसके बाद जो है काफी चेंजेस आने लग गई काफ़ी चेंजेस आई जिसमें पदाज बने क्योंकि फिर सब जगह लड़ाई होने लग गई बैटल्स लड़ने लग गए तो उस वजह से जो है पदाज जो है फोर्स में आ गया था तो मैजिकल स्पेल से रिलेट करता है हमारा अथर्वेदा वेदा के लिए लास्ट टाइम के एस प्रील में क्या क्वेश्चन पूछा गया था पूछा गया था कि कृष्णा यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन से जो है यजुर्वेद के पार्ट हैं कृष्ण यजुर्वेद भी ऑप्शन में था शुक्ल यजुर्वेद भी ऑप्शन में था एक ऑप्शन में, में बोध था तो हमें किसको टिक टिक करना करना था था हमें बोथ वाले को ओके चलिए ट्वेल्थ क्वेश्चन लेटर वेदिक का मतलब है एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ किसका जो लेटर वेदिक पीरियड आया उसमें किसका कंपाइलेशन था संहिता का भ्रमणास का अर्यंका का या इन सभी का सो लेटर वेदिक पीरियड में किसका कंपाइलेशन था इसमें था ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट है द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू गायत्री मंत्र जो है इनमें से किसको एड्रेस किया गया था गायत्री मंत्र इंद्र वरुणा पशुपति या फिर सावित्री गायत्री मंत्र इनमें से किसको जो है डेडिकेट किया गया था सो so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सविता को सविता को जो है गायत्री मंत्र जो है वो डेडिकेट किया गया था ओके okay? सावित्री को गायत्री मंत्र जो है डेडिकेट किया गया था सावित्री कौन थी द गॉड ऑफ द गॉड ऑफ लाइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिवीजन ऑफ द फोर क्लासेस मैंने अभी आपको बताया पुरुष उक्ता वेदा में ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इसमें ये टेंथ मंडला में है टेंथ मंडला में एंड इसमें क्या किया गया है भ्रमणास विष्राज चार वर्णाज में लोगों को डिवाइड किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कुटलिया की अर्थशास्त्र बुक है वो किस पे है इकोनॉमिक रिलेशन पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस स्टेट क्राफ्ट पे फॉरेन पॉलिसी पे या फिर ड्यूटीज ऑफ द किंग पे तो जो इनमें से किस पे जो है हमारे कोटल्या अर्थशास्त्र की बुक है अर्थशास्त्र बुक लिखी गई थी कोटल्या के द्वारा जिसमें कि उन्होंने किसके बारे में बताया गया है So, उनमें बताया गया ऑप्शन बी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट यानी कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक गवर्नमेंट को किस तरीके से एक राजा जो है अपनी सत्ता को किस तरीके से चलाया जा सकता है चंद्र गुप्ता मौर्य के टाइम पीरियड में थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में ग्रीक एम्बेसडर भी आए थे जिसको हम क्या बोलते हैं जिनका नाम क्या है मेगा थेनेसे, थेनेसे. तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, थी इंडिका जिसमें उन्होंने मोरियन कल्चर के बारे में बताया मूद दक्षशा जो है वो विशाखा दत्ता ने लिखी है एंड कुछ हमें इंपॉर्टेंट सोर्स मिलते हैं मोरियन एम्पायर के अशोकन इंस्क्रिप्शन से भी ओके okay? अंडरस्टूड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा मेगाथीसिस जो है वो एक एनवॉय थे इनमें से किसके सेलेसिस के अलेक्जेंडर डायरिस के या फिर इनमें से कोई भी ये थे ऑप्शन ए सैलियस निकेटर के तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है अशोकन में चेंजेस प्रोफाउंड की इनमें से किस इंस्क्रिप्शन में उसके बारे में लिखा है थर्ड बुडिस काउंसिल के बाद की थी नहीं जी अशोकन कलिंगा वॉर के बाद किया था एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म के बाद सेंडिंग मिशनरी टू सेलॉन अशोकन ने अपने अंदर चेंजेस कैसे की थी तो वो तो आपको पता है कलिंगा वॉर टू सिक्सटी के बीच में थर्टीन रॉक एडिक्ट में जो है कलिंगा वॉर के बारे में लिखा हुआ है थर्ड बुड्डिस काउंसिल तो इसका कुछ है ही नहीं पर्प क्योंकि उन्होंने चेंजेस अपने अंदर लाना शुरू किया था जब कलिंगा वॉर हुआ था उन्होंने काफी ज्यादा ब्लड शेड देखा था इसी वजह से इन्होंने जो है अब एक तरीके से नॉन वायलेंस की पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली थी नेक्स्ट कौन सी डॉड रॉक एडिक्ट में हॉरर ऑफ कलिंगा वॉर के बारे में बताया गया अभी तो बताया थर्टीन रॉक एडिक्ट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग चंद्रगुप्त लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करना है बिंदुसारा सैंड्रोकटस अशोका अमृता अम्रीत, घाटा या फिर चनक्या, विष्णु गुप्ता यहाँ पे अमरीटो अमरीटो चेट्स है अमरीटो चेट्स तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई so, है सो टू थ्री फोर वन है यानी कि ए का पहले टू है एक सेकेंड ए का टू है क्या नहीं जी पीआसी तो अभी मैंने आपको बताया अशोका को बोलते हैं तो यहाँ जाइए बिंदु सारा जो है वो ए बी थ्री से मिलेगा बी थ्री कहाँ पे ओके ठीक है सी टू सी टू बी थ्री का है सी टू और बी थ्री हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है तो यानी कि नाइनटीन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी का वन सॉरी सी का वन है सी का वन बी का थ्री सी का वन बी का थ्री तो ये हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है बाकी ऑप्शंस में नहीं है तो हम ऑप्शन सी को टिक कर लेते हैं ठीक है इसको एक बारी आपको मैच करके भी मैं दिखा देती हूँ देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते थे स, सैंडो कोटस सेंड्रोकोटस बोलते थे बिं, बिंदु सारा जो थे बिंदु सारा का नाम था अमरीटोचेट्स अमरीटोचेट्स बोला जाता था इसको एंड अशोका को तो आपको बताया पियादसी एंड चनक्य को विष्णुगुप्ता बोला जाता है तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट द लास्ट मोरियन एम्पर इनमें से कौन से लास्ट मोरियन एम्पर थे जलोक अवंती वर्मन नंदीवर्धना या बृहदार तो वो थे हमारे बृहदार लास्ट मोरियन एम्पायर किंग नेक्स्ट कोटलिया जो थे वो प्राइम मिनिस्टर किसके थे चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अशोका के या जलोका के तो ये थे चंद्रगुप्ता मौर्य के मैंने अभी आपको बताया कोटलिया जो थे जिनको चनक्या भी बोला जाता था तो ये जो है इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है एंड ये प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्ता मौर्य के मुद्र रक्षसा किसने लिखी है विशाखा दत्ता कोटलिया माना भट्टा या फिर कल्हान तो मूद्र रक्षसा अभी मैंने आपको बताया ये जो है ये हमें मॉरियन एविडेंसिस लिखी है हमारे विशाखा दत्ता ने जीवाका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी स्टार मार्क कर लो कभी ना कभी पूछ लेंगे आपसे जीवाका रॉयल फिजिशियन कौन से रूलर का था रॉयल फिजिशियन थे ये हमारे बिंबी सारा के बिंबी सारा के ये रॉयल फिजिशियन थे इन्होंने क्या किया था uh, जो है उज्जैन भेज दिया था जीवाका को क्योंकि वहाँ पे अवंती का जो राजा था ना प्रद्यत योता हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है लैंग्वेज जो अशोकन पिलर्स में यूज की गई थी वो कौन सी लैंग्वेज थी संस्कृत प्राकृतिक पाली या हिंदी तो वो थी हमारी प्राकृतिक लैंग्वेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर एजुकेशनल सेंटर मॉरियन पीरियड का कौन सा था वैशाली नालंदा टक्सिला या उज्जैन तो वो था हमारा टक्सिला मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट फेमस सेंटर जो था वो टक्सिला था नेक्स्ट मगध पे कौन सी डायनेस्टी ने नंद डायनेस्टी के बाद रूल किया मौर्यन गुप्ता शुंगा या कुशादा तो नंद डायनेस्टी के बाद कौन आई हमारी मौर्य डायनेस्टी सी देखिए इसका भी आपको याद रखना देखिए महाजनापदास के बाद जो है डायनेस्टीज जो है वो बनना शुरू हो गई तो महाजनापरदास के बाद जो पहली डायनेस्टी बनी वो बनी हरियंक डायनेस्टी जिसको बिंदु बिंबिसारा ने सारा ने उसे बनाया बिम्बिसकेंड जो डायनेस्टी बनी वो बनी शिशुंग डायनेस्टी शिशुंगा डायनेस्टी थर्ड डायनेस्टी जो बनी मगध पे वो बनी हमारी नंद डायनेस्टी क्या बनी नंद डायनेस्टी फोर्थ हमारी जो डायनेस्टी बनी वो हमारी बनी मौर्यन डायनेस्टी तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखने हैं ठीक है ठीके? उसके बाद जो है ये सब जो है मगध पे बनी थी ओके okay? तो इससे जो पहले जो थे पहले रूलर क्या करते थे मैरिज uh, अलाइंसिस बना के भी अपना जो है अपना एरिया टेरिटरी को बढ़ाते थे